वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आमार यूट्यूब चैनले जानाई स्वागतम। अब तक आपने हरिद्वार प्रसिद्ध गंगा घाट माता मनसा देवी मंदिर गंगा घाट स्नान आदि के वीडियो की श्रृंखला देखी होगी। आज फिर देखने जा रहे हैं माँ गंगा की विशेष आरती। यहाँ हर कोई देख सकता है। आप में से जो लोग इस शाम की आरती एपिसोड देखना चाहते हैं लेकिन उन्हें दोपहर बाद आकर जगह लेनी होगी, नहीं तो आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे क्योंकि इस आरती को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। वीडियो आपको कुछ विचार देगा, आपको अपने लिए जगह का पता लगाना होगा। हालांकि हमारे सामने कुछ लोग बैठकर देखने के लिए कुछ पैसे मांगते दिखे, हमने किसी को भुगतान नहीं किया। यहाँ एक समय में तिल रखने की जगह नहीं होती और इतने सारे लोग होते हैं। बैठने की जगह नदी के किनारे है, इसका मतलब है कि गंगा बीच में से बह रही है और लोग बैठकर देख सकते हैं। यहाँ मीडिया के लोग अपने मीडिया के काम से ऊपर कुछ जगहों पर खड़े नजर आते हैं लेकिन यहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं थी। एक तरफ बोरो आकार का डिस्प्ले या बोरो टीवी है, यहाँ भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। एक बार मैं किनारे से चल रहा था और उस जगह को देख रहा था, तभी मैंने देखा कि कुछ लोग अपनी लाठियों से नदी के पानी में कुछ फेंक देते हैं और कुछ देर बाद उसे फिर से उठा लेते हैं। इसमें फिर से कुछ ढूंढ रहा हूँ। बाद में मैं किनारे गया और उसे उस प्रक्रिया में सिक्के या पैसे ढूंढते देखा। पूछने पर उसने बताया कि उस दिन उसे 400 से 500 टका मिले थे, उससे कम भुगतान करें और यही उनका दैनिक कार्य और आजीविका है। नदी की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बहुत ज्यादा है लेकिन मैंने कैमरे से जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश की। अब दोपहर का उजाला लगभग खत्म हो चुका है, भीड़ कम ही नहीं हो रही है। लोग अलग अलग स्थानों पर बैठकर यहाँ के पुजारियों के साथ अपनी आवश्यकता के अनुसार पूजा अर्चना कर रहे हैं। लड़के लड़कियाँ पिता और माताएं पैदल पूजा की समृद्धि के साथ साथ आरती के साथ नृत्य कर रहे हैं। यह एक अजीब बैठक स्थल जैसा दिखता है। कुछ लोग अभी भी नहाते नजर आ रहे हैं। जो लोग सुबह नहीं आ सके या लंबी दूरी से आए थे वे अब स्नान कर रहे हैं। इस विशेष दोपहर की आरती के दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए बहुत से लोग उमड़ पड़ते हैं। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना है और अगर आप यहाँ अच्छे से देखना चाहते हैं तो आपको दोपहर से बैठने के लिए जगह बुक करनी होगी क्योंकि यहाँ तिल रखने की जगह नहीं है। वीडियो में आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ कई पुरवाहितों को एक साथ मंत्र पढ़ते हुए सुना जा सकता है। तो वे सभी जो नदी के दूसरी ओर बैठे हैं मंत्रोच्चार को अच्छी तरह सुन सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, यहाँ कुछ लोग इस नदी के पानी में कुछ ढूंढते दिखे। दरअसल वे सभी सिक्कों की तलाश में हैं। उनके हाथों में रस्सी के चुंबक हैं जिसकी मदद से वे सिक्के खींचते हैं। नदी में कुछ पुराने दिनों का बना हुआ लोहे का पुल भी देखा गया जो अब उपयोग में नहीं है और दूर तक टैगोर की कई खूबसूरत मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं जिसका आकार बहुत बड़ा है।
यहाँ कुछ लोग उन सिक्कों की तलाश कर रहे हैं जिनका मैंने कुछ समय पहले उल्लेख किया था, हाथ से पकड़े गए चोंगो के साथ। उन्हें देखकर हम डर गए क्योंकि नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि फिर कहा, अब हम पानी से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन ये उनके लिए सामान्य बात है। यहाँ का मुख्य आकर्षण यही आरती है। इस समय हर कोई आरती में लीन हो जाता है। यहाँ का नजारा देखने के लिए भी लोगों की इतनी भीड़ लग जाती है। सभी लोग एक साथ मंत्रों का जाप करते हैं। अचानक एक साधु बाबाजी चिल्लाए। इसका कारण यह है कि वह व्यक्ति इस पवित्र माता के जल में अपने जूते उतार रहा था और इस जल से उसे साफ कर रहा। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि ये किसी के जूते साफ करने की जगह नहीं है, तुमने वही किया जो एक पापी करेगा। उनका ऐसा करना वाकई सही नहीं है। क्या कोई ऐसा बुरा काम करता है? आज के वीडियो में बस इतना। अगले एपिसोड में ऐसे ही और नए जूते धोने के लिए। सबको नमस्कार, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।